नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है इन सपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ विमेन रेखा शर्मा जी, क्योंकि रेखा शर्मा जी ने कांग्रेस की सोच को बहुत पहले ही एक्सपोज कर दिया था। अपने एक ट्वीट में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फोटोग्राफ शेयर करी थी विद लॉट ऑफ डांसर्स, एंड ये तब हुआ था जब भारत को आजादी मिलने वाली थी या मिल चुकी थी। ऐसे प्रधानमंत्री की सोच का ऑब्वियसली पार्टी बना है और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के जो भी नेता है, चाहे वो वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ही क्यों ना हो, अगर वो बीजेपी की दलित लेडी को आइटम कह के पुकारेंगे तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये उनकी पार्टी की सोच है। सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने से उनकी सोच महिला प्रति चेंज नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस के कोई दूसरे पॉलिटिशियन दिग्विजय सिंह ने भी कभी एक पॉलिटिशियन लेडी पॉलिटिशियन को तुच्छ माल कह के पुकारा था। मगर बीजेपी के अंदर अगर एमजे अकबर जैसा पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसे इमीडिएटली रिजाइन करने के लिए कहा जाता है मी टू एलिगेशंस में। मगर ऑब्वियसली कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनके ऊपर आरोप है ऑफ रेपिंग सम लेडी कॉल्ड एज सुकन्या देवी, मगर इसके ऊपर कांग्रेस कभी कोई बात नहीं करता। ना कांग्रेस बात करता है ओवर दिग्विजय सिंह कमेंट या अभी हाल में ही कमलनाथ के कमेंट के ऊपर। राहुल गांधी ने बोला कि कमलनाथ की सोच गलत थी, मगर कमलनाथ ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उसने किस प्रिटेक्स में ये वर्ड का इस्तेमाल किया था। ये दिखाता है उनकी सोच और उन जैसे बाकी कांग्रेस वाले पॉलिटिशियंस की सोच, और ये सोच के खिलाफ कभी भी कोई फेमिनिस्ट खड़ी नहीं होगी, क्योंकि फेमिनिस्ट भारत के अंदर कम बुद्धि वाली है, उनमें बुद्धि नहीं है, उनको सिर्फ बीजेपी विरोध एजेंडा चढ़ाना है, ना कि सच्चाई के साथ खड़े रहना। नमस्ते, जय हिंद।